ब्रह्मा से मिलन को ही महारस कहते हैं। आचार्य विनय त्रिपाठी जी महाराज लमुआ सुल्तानपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित चांदा बाजार में चल रही सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत ज्ञान महायज्ञ के षष्ठम दिवस श्री धाम विजेत हुआ लक्ष्मणपुर कादीपुर से पधारे भगवताचार्य आचार्य सर्वेश्वर दत्त त्रिपाठी जी महाराज ने कहा कि भगवान में महारस के 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण है और जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भाव भर जाता है और उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त होती है। अष्टम दिवस की कथा में भगवान मथुरा का प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना तथा काले वन का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना एवं रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण प्रस्तुति से उपस्थित जनमानस भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान भगवताचार्य आचार्य विनय त्रिपाठी जी महाराज ने कहा कि महारस में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया और महारस लीला के द्वारा ही जीवात्म परमात्मा का मिलन हुआ। जीव और ब्रह्म के मिलने को ही महारस कहते हैं। इसके पूर्व मुख्य यजमान श्रीमती निर्मला देवी पत्नी हौसला प्रसाद दुबे ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन किया। बड़ी संख्या में भगवान भक्तों ने कथा का श्रवण किया। संगीत में श्रीमद भागवत कथा के मध्य बीच बीच में भजनों ने वातावरण भक्तिमय कर दिया। कथा में यज्ञाचार्य ज्योतिषाचार्य ब्रिजेश दुबे शास्त्री महाराज महाराष्ट्र, आचार्य रमाशंकर दुबे, योगेश दुबे, हर्ष नारायण पांडे, अखिलेश दुबे, दिनेश, मंगेश, रमेश दुबे तथा पंडित संजय तिवारी, साकेत दुबे समेत बड़ी संख्या में कस्बेवासी कथा का श्रवण किए। लगा दो सखियों के बीच